गाइस गुड इवनिंग। तो देख सकते कहीं ना कहीं हम गोविंदपुर ऊपर बाजार वन में है, जो कि जुमा की नमाज खत्म हो चुकी है। चाय पीने आए जट, फिर कृष्णा सूट में चाय भी पी लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बगल में अच्छा चाय बनाते हैं, जो कि उसका दुकान पहले यहीं पर थे जिस जगह में अपोजिट हम खड़े हैं। और ये मास्टर कस्टम देख रहे हैं, जो वो भी हमारे अपना ही है, जो दादा के लगते हैं। तो हाजी साहब है मास्टर साहब, तो वो अभी कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो चुके, तो उनके बच्चे रहते हैं अंकल लोग। तो गाइस आप लोगों के बीच में दुनिया दिखाने का काम करता, बाकी अदरवाइज जो कि रोड का भी थोड़ा व्यू आप लोगों को दिखा दे रहा है, ये गोविंदपुर का व्यू है। तो इस तरह का हमारे मोड़ की वार्ता भी चलता ही रहता है गाइस, ये कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ तक आज जुम्मा का दिन है, इसलिए थोड़ा सा कम गाड़ी घोड़ा चल रहे, लोग दिख रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आबादी और मार्केट के बाजार में रहते हैं गाइस। तो मैं आप सभी के बीच में और दिखने और दिखाने का काम करते रहता हूँ। तो थोड़ा सा चाय पीने के लिए आए थे, तो थोड़ा सा सोचा कि चलो इवनिंग ब्लॉग दे दे रहा हूँ आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, जो कि मेला की ओर में पब्लिक सिटी में फिर थोड़ा सा दो चार मिनट का वीडियो दे देंगे, जो कि लोगों के बीच कहीं ना कहीं इंतज़ार करते रहते हैं। तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शौक कोई आदमी चाहता है कि जाएंगे पर नहीं जा पाते, कहीं ना कहीं फंस जाते काम से। तो पहले कार्य जरूरी है, मेला वेला तो ये सब तो है ही। और देख सक रहे कि हमारे गौ माता भी देख रहे दाना पानी ले रहे गाइस। तो होनी चाहिए, हर व्यक्तिगत तो पेट है, हर किसी को ज़रूरी है गाइस। तो ये सब भी चीज़ें जो कि ज़रूरी है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, पेट के लिए ही लोग बाहर निकलते हैं कहीं ना कहीं, और अपने पेट के लिए ही कार्य करते हैं। तो हर बंदे को, हर व्यक्ति को होनी चाहिए, हर जानवर को भी। जानवर को भी अगर बांध के रख देंगे तो उसको कैसे दाना पानी मिलेगा? देंगे तो ही ना, या खोल के रखेंगे तो ही ना वो दाना पानी मिलेंगे गाइस। तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में भी, जो कि इंसान में चलता है और चलनी चाहिए। तो इंसान से बड़ा तो कुछ नहीं है, और इंसानियत भी एक ज़िंदगी है, बाकी तो अदरवाइज कोई काम नहीं देते गाइस। और मैं आप थोड़ा सा अपने रोड की डोंगरीला भी मेरा लगा हुआ देख सकते हैं, जो कि ये 7 नंबर वाजर में कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं आपको, देख सकते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों के बीच में ये देने के काम ही करते रहता हूँ कि अपना ब्लॉग में जितना से ज़्यादा अपना ब्लॉग कंटेंट कर सके। और गाइस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको पिछला वीडियो में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब रहिएगा, फॉलोअर रहिएगा। तो गाइस मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप लोग भी कहीं से मस्त रहे और स्वस्थ रहे गाइस। और चलिए फिर मिलते हैं, तो फिर एंड करते, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय झारखंड।